जनपद रामपुर में 5 साल पहले गाय को लेकर हुए विवाद में दो पक्षों में खूनी रंजिश के तहत झगड़ा हुआ था, जिसको लेकर आज कोर्ट ने एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। इस मामले में 3 लोगों को आजीवन कारावास और 20,000 का जुर्माना लगाया है। गाय को लेकर ये चाचा और भतीजे का विवाद था। विवाद इतना बड़ा कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर धारदार हथियार से सुबह 6 बजे के वक्त हमला कर दिया था। इस मामले में कई लोग घायल हुए थे, जिसमें वादी के पिता नन्हे की मौत हो गई थी, जिसको लेकर कोर्ट में मामला चल रहा था। आज कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाकर इस मामले में नब्बू, पप्पू, असलम 3 लोगों को आजीवन कारावास और 20,000 का जुर्माना लगाया है। 11 नवंबर 2017 को गाय को लेकर के वादी मुकदमा के चाचा से कुछ झगड़ा हुआ था, तो वादी मुकदमा के चाचा छठुआ ने थाने पर एक NCR लिखाई थी। अब इस NCR को लिखाने पर मुलजिम पक्ष को नाराज़गी हुई और उन्होंने उसी को रंजिश को लेकर के सुबह जब वो फज्र की नमाज़ पढ़ कर के वादी मुकदमा के पिता नन्हे मस्जिद से अपने घर की तरफ आ रहे थे, सुबह के 6 बजे होंगे, ये मुलजिमान बब्बू, मोहम्मद उमर, हारून, मतलू, नब्बू, कल्लन, ये सब लोग जो है, पप्पू, ये सब लोग एक राय होकर के उनके ऊपर जान मारने के नियत से छुरियों से हमला कर दिया था। इनको बचाने वादी मुकदमा के भाई इस्लाम और मुख्तियार वहाँ पहुँचे, दौड़े तो, और तीनों लोग उनके हमले से घायल हो गए। ये सब लोग थाने गए, थाने से जिला अस्पताल ले जाया गया। वादी मुकदमा के पिता नन्हे की हालत नाजुक थी और उनकी मौत हो गई उस दौरान। बाकी दोनों का इलाज चला, मुकदमा दर्ज हुआ, विवेचनोपरांत न्यायालय में आरोप पत्र पेशित हुआ और सम्यक साक्ष्योपरांत न्यायालय ने जो कल मोहम्मद न्यायालय ने कल नब्बू को और पप्पू फसलम को धारा 302 में आजीवन कारावास से दंडित किया, कठोर कारावास से, आजीवन कारावास से दंडित किया और 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया। अन्य अभियुक्तगण को 323 के मामले में दोषी पाया, लेकिन उनको परीक्षा पर रखा।